हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में और आप देख रहे हैं अपना चैनल बाप ऑफ टेक्निकल। आज आपको बताने वाले हैं कैसे अनवांटेड ऐप या सॉफ्टवेयर परमानेंटली अपने पीसी या लैपटॉप से हटाते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं। अगर आप विंडो 11 यूज़ कर रहे हो तो ये सेंटर में विंडो लोगो आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर विंडो 10 यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पर लोगो आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही और ये सर्च पे जाएंगे तो यहाँ पे हम कंट्रोल पैनल सर्च करेंगे और कंट्रोल पैनल देखिए आ गया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो कंट्रोल पैनल जैसे ही ओपन हुआ, एक नया एक दूसरा पेज ओपन होगा कंट्रोल पैनल का। देखिए प्रोग्राम पे क्लिक कीजिए, प्रोग्राम पे फिर अगेन ये ऊपर प्रोग्राम दिया, इस पर क्लिक कीजिए और ये जो भी आपने आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है सॉफ्टवेयर वगैरह वो सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। तो जैसे एग्जांपल ये एक्टिव प्रेजेंटर है, देखिए यहाँ पे, और इसको मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक्टिव प्रेजेंटर है, यानी ये आपके कंप्यूटर में बैकग्राउंड में रन तो कर ही रहा होगा। इसके लिए लैपटॉप और कंप्यूटर थोड़ा स्लो होता है जबकि हम इसको यूज़ नहीं कर रहे। तो अगर हमें नहीं चाहिए तो अनवांटेड सॉफ्टवेयर ऐप है, इसको हम परमानेंटली कंप्यूटर से रिमूव कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक्टिव प्रेजेंटर दिखा रहा है, इस पर आप क्लिक करो, करने के बाद अनइंस्टॉल पे क्लिक करो, फिर आपको ये एक विंडो से क्वेश्चन आएगा यस करने के लिए। अनइंस्टॉल पूछेगा वो तो यस कर दो। यस करने के बाद अगेन ये स्क्रीन पे आ रहा है श्योर यू वांट टू कम्प्लीटली रिमूव, तो इसको यस करो। कुछ ही समय में ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए एक्टिव प्रेजेंटर वॉज सक्सेसफुली रिमूव फ्रॉम योर कंप्यूटर, आप ओके कर दो। ओके करने के बाद देखिए यहाँ से ट्यूटोरियल के नीचे था एक्टिव प्रेजेंटर, यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, यानी वो रिमूव हो चुका है परमानेंटली कंप्यूटर से। और देखिए यहाँ पे भी शो हो रहा था, यहाँ पे भी नहीं है। यानी दोस्तों आपने इस वीडियो से सीखा कैसे अनवांटेड जो भी सॉफ्टवेयर ऐप होते हैं पीसी या लैपटॉप में हम उसको कैसे परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए हम ये वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।